मारपीट करी जावे। बिग बाद के अंदर घर के अंदर जो लगभग 10-15 तोला सोनो हो वो डरा धमका के वो सोनो भी लूट लेवे। बलकार सिंह है हार्डकोर अपराधी है, 2,30,000 रुपया की नकदी दुकान के गल्ले से है, ए चारू का चारू बदमाश है, ले ले निकाल लेवे। बी के अलावा बलकार सिंह के ऊपर राजस्थान हरियाणा पंजाब आ तीनों राज्य के अंदर अगर आप एक आंकड़े के हिसाब बात करें तो लगभग 20 प्रकरण है बलकार सिंह के ऊपर दर्ज है। बी के अंदर पिछले महीने की 14 तारीख ने खाराखेड़ा गांव में तमंचे की नोक के ऊपर एक घर के अंदर घुस के चार नकाबपोश बदमाश है एक घर के अंदर घुसे और घर के अंदर तमंचे की नोक को ऊपर है घर में लगभग 10-15 तोड़ो सोनो और 2,30,000 रुपया की नकदी तमंचे की नोक को ऊपर परिवार ने बंधक बना के मारपीट करके लूट के ले जावे। बिग बाद के अंदर जो कैमरा लागेड़ा है गली के अंदर वहां कैमरा की दुकान खुलवा के DVR भी आपके साथ लेके चले जावे। भी मामले के अंदर खाराखेड़ा गाँव के अंदर लाल दिना जो चोरी को जो घटनाक्रम हुए जो वारदात हुई और मामलो पूरा मामला के अंदर टिब्बी पुलिस है जो कार्रवाई करता हुआ दो बदमाशा ने है बापरदा गिरफ्तार कर लियो है। जिया कि थे वीडियो में देख पाओ लग रहे हो ए बे ही बदमाश है जिका चोरी की वारदात ने अंजाम दियो। बिया तो बदमाश आए कुल मिला के चार जना जिना के अंदर दो बदमाशा ने पुलिस है जो तकनीकी साक्ष्य है साइबर सेल की सहायता जो SP ऑफिस को जो साइबर सेल है तकनीकी साक्ष्य है मुखबिर की सूचना आ सारी चीजों के ऊपर है पुलिस दो बदमाशा ने है बापरदा गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली है जबकि आगे सागे दो बदमाश हो रहा बांगी और है पुलिस तलाश कर लग रही है। पूरा मामला थाना बताना चाहूंगा टिब्बी थाना क्षेत्र को गांव है खाराखेड़ा। भी गांव के अंदर 14 मई की रात ने चार अज्ञात चार जो बदमाश है नकाबपोश बदमाश भी घर के अंदर घुसे। जो मनोज यादव है जो पीड़ित बे टिब्बी थाने के अंदर ही प्रकरण में मामला दर्ज करवाओ टिब्बी पुलिस ने मामला दर्ज करवाता है बतावे कि 14 मई की रात ने चार नकाबपोश बदमाश पेड़िया का रास्ता है बंग घर के जिया घर है घर के बराबर के अंदर एक घर और भी घर को सहायता ऊपर चढ़ के पेड़िया का रास्ता है कमर को जो पेड़िया में जो दरवाजो है कुंटो लागेड़ो भी दरवाजे ने शीशो तोड़ के कुंटो खोले और कुंटो खोलिया बाद के अंदर सीढ़िया की सहायता घर के अंदर बढ़े। घर के अंदर बढ़िया बाद के अंदर परिवार सो रहे हुए मनोज यादव को बच्चों पत्नी वे भी घर के अंदर सो रहे और मनोज यादव का जो माता पिता है वे अलग दूसरो घर है जी बंगो बाड़ो है भी के अंदर सो रहा हुआ है। तो मनोज यादव बतायो कि मनोज यादव आप और बिंगा पत्नी और बच्चा घर के अंदर सो रहे हाथ चारू का चारू जो नकाबपोश बदमाश है घर के अंदर घुसया घर के अंदर घुसता ही सीढ़ी के रास्ते नीचे आया और जठे मनोज यादव सो रहे हो बैठे अंदर चल गया और मनोज यादव पर तमंचो लगा दियो और मनोज यादव के साथ मारपीट करी तमंचे की नोक पर मनोज यादव ने उठाया बाद मनोज यादव ने साथ के अंदर लियो पूरा घर के अंदर घुमायो और घर के अंदर घुमाया बाद के अंदर आगे घर के मनोज यादव के घर के अंदर ही जो है दुकान है कपड़ा का एक व्यापारी है खाराखेड़ा गांव के अंदर और दुकान के अंदर रखेड़ा लगभग 2,30,000 रुपया की नकदी दुकान के गल्ले से है। ए चारू का चारू बदमाश है, ले ले निकाल लेवे और निकाले बाद के अंदर मनोज यादव के सिर के ऊपर है जो बट्टू है वो वार करे तमंचा के बट्टू वार करे। बिग बाद मनोज यादव को बेटो और पत्नी भागे आवे तो बंग सागे भी है जो मारपीट करी जावे। बिग बाद के अंदर घर के अंदर जो लगभग 10-15 तोला सोनो हो वो डरा धमका के वो सोनो भी लूट लेवे। वो सोनो लूटिया बाद के अंदर ये बदमाश इतना शातिर होवे कि मनोज यादव की पत्नी और बच्चा ने कमरे के अंदर बंद कर देवे। बंद करे बाद के अंदर कमरे में बंद करे बाद के अंदर एक वाटर कूलर भी रखे ताकि बच्चा जो मनोज यादव की पत्नी और बच्चों है जो तीसा नाम रहा चोर है जो मनोज यादव ने आपके सागे बारह निकले और क्योंकि चोरा ने पतो हो चारू का चारूवाना ने पतो हो क्या CCTV लाग रही है और CCTV के आधार के ऊपर पकड़ में आ जाएगा। तो बिग बाद मनोज यादव ने तमंचे की नोक को ऊपर घरों बारह निकाला और पूछा कि थारे खटे खटे CCTV लागेड़ा है। बी के बाद मनोज यादव बताओ कि दुकान के अंदर है। बी के बाद के अंदर CCTV की DVR है बे निकाल लेवे। DVR निकले बाद के अंदर 2,30,000 रुपया की नकदी और 10-15 तोड़ो सोनो लेके है चोर फरार हो जाए। बी के बाद के अंदर है सुबह जब बंग चोरा के फरार हो बाद के अंदर जब शोर शराब वो मचे तो बी के बाद के अंदर गाँव का लोगों ने पतो लगा कि खाराखेड़ा गाँव के अंदर ये तरीका को घटनाक्रम हो गया और बी के बाद के अंदर मनोज यादव आपके परिवार सहित टिब्बी थाने के अंदर परिवार पेश करा और मुकदमो दर्ज करवाओ और पुलिस भी है जो टिब्बी पुलिस है मौके के ऊपर पहुंची। मौके पर पहुंचे बाद के अंदर जांच पड़ताल करी आग ये घर की आप ग्राउंड रिपोर्टिंग भी करी अगर थी वीडियो देखी हो तो थाने पता लाग गया के तरीका चोर है सीढ़िया के सारा छत पर चढ़ गया चोरा को दुस्साहसितों का
औरत और बच्चे के ऊपर भी है हाथ उठाने की कोशिश करी और मनोज यादव के साथ मारपीट करी। दो आरोपियों ने टिब्बी पुलिस है आज बापरदा गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली है। आ दोनों ने बापरदा गिरफ्तार कर लिया गया है जिया कि थे देख पावला रहे वीडियो के अंदर पुलिस कर्मी आने चलावला रहे क्योंकि आगे चोट लागेड़ी है और दोनों आरोपियों ने बापरदा गिरफ्तार कर लियो। अब आने है जो जैसी कराए जाओगे कोर्ट में पेश करके जैसे किराए बाद में जेल भेजो जाओगे। जेल भेजा बाद के अंदर आ दोनों आरोपियों की शिनाख्त परेड है बा होगी। शिनाख्त परेड हुए बाद के अंदर आने वापिस है प्रोडक्शन वारंट पर हासिल गिरफ्तार है जेलू करे जाओगे। बी के बाद के अंदर मामले में आगे है तहकीकात होगी और जो दो और आरोपियों के साथ था बांगी भी पुलिस है पड़ताल करेगी और बाद दो आरोपियों ने भी खोजन को प्रयास करेगी। स्क्रीन पर देख ला रहे हो मोबाइल स्क्रीन पर इमो एक को नाम है जसवीर सिंह उर्फ जस्सा और दूसरों को नाम है बलकार सिंह। दोनों आरोपियों ने पुलिस है जो बापरदा गिरफ्तार करे है। बलकार सिंह है हार्डकोर अपराधी है आपका जो थाना सेक्टर को हार्डकोर अपराधी है। बी के अलावा बलकार सिंह के ऊपर राजस्थान हरियाणा पंजाब तीनों राज्य के अंदर अगर आप एक आंकड़े के हिसाब से बात करें तो लगभग 20 प्रकरण है बलकार सिंह के ऊपर दर्ज है। बी के अंदर चोरी डकैती और ऐसा गंभीर प्रवृत्ति का जो प्रकरण है बलकार सिंह के ऊपर दर्ज है और अव्वल दर्जे को बदमाश है बलकार सिंह आपका थाना सेक्टर को है और पुलिस ने भी बलकार सिंह की तलाश ही क्योंकि इतना प्रकरण 20 प्रकरण भी पर दर्ज है चोरी और डकैती जिसी मामला के अंदर अव्वल दर्जे को बदमाश है वो बलकार सिंह है और जो साथ में विनोद सिंह विनोद और है एक खिलाफ ही तरीके का कोई प्रकरण है जितना ही कोई सामने अभी तक आया को नहीं। और बलकार सिंह और विनोद ये दोनों का दोनों तो गिरफ्त में आ चुका है और दोनों के साथ के अंदर दो आरोपी और हाकुल मिला के चार जना ही पूरा घटनाक्रम ने अंजाम दिए हो। बलकार सिंह और विनोद ने तो पुलिस बापरदा गिरफ्तार कर लियो है भी गलावांग साथ में जो दो और आरोपी हा बांगी है जो टिब्बी पुलिस तलाश कर लाग रही है। फिलहाल खातर दोनों आरोपियों ने बापरदा गिरफ्तार कराया बाद के अंदर कोर्ट के अंदर पेश करेगी कोर्ट में पेश कराया बाद के अंदर आने जैसी करवा दी यानी कि जेल भिजवा दिया गया है और जेल के अंदर है अंगी शिनाख्त परेड है बा करवाई जाओगी। शिनाख्त परेड होया बाद के अंदर दोनों आरोपियों ने है जेल से प्रोडक्शन वारंट पर फिर गिरफ्तार करे जाओगे को गिरफ्तार करे जाए बाद के अंदर और फिर जो दोनों आरोपियों से पूछताछ होगी रिमांड आंगो लिए जाओगे तो बी दौरान वो भी पतो लाग जाओगे आगे साथ में दो और आरोपी कौन हा। तो बी दौरान जब आप घर की ग्राउंड रिपोर्टिंग करी तो बी दौरान जो बच्चों है मनोज यादव को बच्चों बतायो का चारों आरोपी जी दौरान घर घुसिया और घर घुसिया जब मनोज यादव के साथ मारपीट करी तो बी दौरान आ ही बात बोली ही क्या मैं तेरे से बदलो लेने आया हाँ इस तरीके की बात मनोज यादव को बच्चों बतायो कि आरोपियां बोले हम बदलो लेने आया और के तरीके को भी बदलो लेने आया हाँ जहाँ कि अपन लोगों में बातचीत करी तो पता लगे मनोज यादव एकदम भी खराखेड़ा गांव को एकदम सज्जन आदमी है और प्रतिष्ठित व्यापारी है भी क्या घर के अंदर इस तरीके घुस के आरोपी के चीज को तो बदलो लेने आया हा। और मनोज यादव आज तक कदे की तरीके की बांग कोई सा रंजिश भी कोनी कोई और भी कोनी तो वो बदलो के चीज को हो और के बात ही बात तो रिमांड के आने गिरफ्तार करिया बाद में वापिस शिनाख्त परेड हुआ बाद में गिरफ्तारी हुआ बाद के अंदर ही पतो लगे को दिनांक 13-14 मई की रात्रि को पुलिस चौकी बसीर के अंतर्गत गांव पड़ता खाराखेड़ा वहां पर एक मनोज यादव के मकान में देर रात्रि 1:30 बजे के करीब चार लोग छत के रास्ते से अंदर घुसकर दरवाजा तोड़कर अंदर घुस के वह मनोज यादव उसके परिजनों को बंधक बनाकर वहां से करीब 2,30,000 रुपए वह 5 से 7 तोला सोना व चांदी के आइटम लेकर लूट करके चले गए थे। इस पर प्रकरण दर्ज किया गया। श्रीमान एसपी साहब एडिशनल एसपी साहब और एसईओ साहब के निर्देशन में विभिन्न टीमों का गठन किया गया। टीमों द्वारा राजस्थान हरियाणा पंजाब में सूचनाएं संकलित कर इसमें जो लूट के अंदर शामिल आरोपी जसप्रीत सिंह जस्सी व विनोद कुमार को बापरदा गिरफ्तार किया गया है जिनकी शिनाख्ती परेड कार्रवाई करवाकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। नहीं अभी इसमें दो आरोपी हैं एक विनोद कुमार जो यहाँ स्थानीय व्यक्ति वो और एक जो पंजाब का हार्डकोर क्रिमिनल जसप्रीत सिंह जस्सी जिसपे लूट के विभिन्न कम से कम 20 प्रकरण दर्ज है पंजाब व राजस्थान व हरियाणा में लूट का अभी इनकी शिनाख्ती परेड करवाई जाएगी। शिनाख्ती परेड करवाने के बाद में इनको पुनः रिमांड पर लेकर बरामदगी व घटना की तस्दीक आदि जो भी कार्रवाई है वो की जाएगी। तो हो पूरा मामलो वीडियो थाने किसी लगी वीडियो के प्रति थारी के राय है के सुझाव है वो कमेंट बॉक्स का माध्यम कमेंट करके माने जरूर बतायो। झलको हनुमानगढ़ चैनल पर अगर थे नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दो पास में देड़े बेल आइकन के बटन ने दबा दो और वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। हर गाँव में या आसपास में किसी तरीके की कोई भी समस्या है तो नीचे डिस्प्ले हमारा झलको हनुमानगढ़ चैनल का मोबाइल नंबर चल रहा है इस नंबर पर थे माने फोन करो मैसेज करो मैं थारा गाँव में पहुंचाऊंगा थारी समस्या उठाऊंगा थारी आवाज उठाऊंगा। एक बात और पूछना चाहूंगा दर्शकों में गाँव के अंदर क्योंकि शहर में जिला मुख्यालय में तो चोरी की वारदात आम है गाँव के अंदर
तरीकों जो डकैती और लूट करना ये चीजा बहुत कम देखने में मिला। खाराखेड़ा गांव के अंदर जो इतो बड़ो लूट हो परिवार ने बंधक बना के और लूट के घटनाक्रम ने अंजाम दियो गयो। भी मामला में पुलिस दो आरोपियों ने बापरदा गिरफ्तार कर लिया है। थे के सोचो इसी घटना के प्रति क्या रोकथाम लगाई जा सके, पुलिस ने इसको के करना चाहिए, गश्त बढ़ानी चाहिए या नफरी बढ़ानी चाहिए, इसको के करना चाहिए जिसकी वजह से इसी घटना के ऊपर रोकथाम लग सके। तो कैमरामैन ध्यान के साथ मैं आशु, जय हिंद, जय राजस्थान, जय हनुमानगढ़।